जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं कुछ दिनों से इन्फिनिक्स नोट 35G को यूज़ कर रहा हूँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका एक रिव्यू देने वाला हूँ कि इसका कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है, कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बेकार है, और क्या यह स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, और यह स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके डिज़ाइन से कि इसका जो डिज़ाइन है कैसा आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 15,000 रुपये की प्राइस में इतना अच्छा डिज़ाइन मिलना काफ़ी बढ़िया बात है, और ये जो कैमरा वाला जो पोर्शन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा जो है लगा है। तो यहाँ पर डिज़ाइन को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बैक पैनल यहाँ पर मैट फिनिश में दिया गया है इस कलर में, और यहाँ पर जो इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर ये 5G का जो लोगो भी लगा रहा है। और अगर साइड की बात करें तो यहाँ पर ये जो ग्लोसी फिनिश के साथ जो साइड चारों साइड आती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो दिक्कत हो सकता है आपके हाथ से फिसल जाए आसानी से, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। और वैसे देखा जाए तो मुझे ये साइड वाली डिज़ाइन इतनी पसंद नहीं आई जितना कि मुझे ये वाली पसंद आई। ये है तो अच्छी, लेकिन इसके कंपेरिजन में ये वाली डिज़ाइन थोड़ी सी कमी दी गई है। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर पावर बटन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी दिया है, और जो कि काफ़ी फास्ट काम करता है। मैं आपको बता देता हूँ, टच करते ही ये ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो कि कितना फास्ट जो है काम करता है। और ऊपर की तरफ जो सिंगल स्पीकर एक मिल जाएगा और सिंगल स्पीकर नीचे की तरफ मिल जाएगा, तो टोटल ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है, वो भी JBL की तरफ से ये जो स्पीकर आ जाते हैं। और दोस्तों इसका जो पावर बटन का प्लेसमेंट है काफ़ी सही जगह पर रखा हुआ है। अगर आप एक हाथ से यूज़ भी करते हो तो आपका जो अंगूठा होता है वो आसानी से यहाँ तक पहुँच जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसमें आपको ऑडियो जैक का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो अगर आप वायर्ड ईयरफोन यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, आपको ब्लूटूथ ईयरफोन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर साइड में जो स्लॉट मिलता है सिम स्लॉट, वो ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, जिसमें आप एक साथ दो सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। इसमें एक और प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि इसमें आपको IP53 की भी रेटिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत पानी इसके ऊपर गिर भी जाता है तो इसको कोई डैमेज नहीं होगा, पानी इसके अंदर नहीं जाने वाला है। अब अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो इसका जो डिस्प्ले काफ़ी बड़ी साइज में आता है, 6.78 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले होगा जो कि IPS पैनल के साथ आता है। यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं दिया जाएगा, और यहाँ पर जो पंच होल है वो थोड़ी सी जो इसकी जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पंच होल वाला कैमरा मिला ना कि नोच वाला कैमरा मिला है। नीचे की तरफ थोड़ी सी मोटी चिन मिल जाती है, बाकी साइड में जो बेजल्स है ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको 120Hz का जो रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, और इसे आप चाहो तो ऑटो स्विच मोड में भी ऑन कर सकते हो, ताकि ऑटोमेटिकली आपकी यूजेज के हिसाब से एप्लीकेशन के हिसाब से अपने आप स्विच होता रहेगा 60Hz में या फिर 90Hz में या फिर 120Hz में। लेकिन मैंने इसके रिफ्रेश रेट को लेकर एक चीज़ नोटिस की है कि अगर आप इसे बाय डिफॉल्ट 120 पर सेट कर देते हो तो ये मोस्टली 120 पर ही काम करेगा, लेकिन आप अगर इसे ऑटो स्विच में सेट कर देते हो तो मोस्टली ये 60Hz पर जो है चला जाता है, 120Hz दिखाता ही नहीं है, बहुत कम दिखाएगा। और 90Hz का तो मुझे अभी तक कहीं देखने को नहीं मिला ऑटो मोड में कि 90Hz भी दिखाता हो। अगर आप इसे सेट कर दोगे तो दिखाएगा, बाकी ऐसे नहीं दिखाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि 120Hz का जो फायदा लेना है तो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसे ही सेट करना पड़ेगा, ताकि आपको 120Hz वाला जो फील आए, लेकिन इससे ये हो जाता है कि बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। वैसे तो इसकी डिस्प्ले को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी आपको इसकी ब्राइटनेस को लेकर इश्यू हो सकता है, क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस है इतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। अगर आप इसे सूरज की रोशनी में डायरेक्ट यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी छाया में या फिर इनडोर लाइट में यूज़ करते हो तो वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, लेकिन सूरज की रोशनी में ये जो ब्राइटनेस है इतनी अच्छी प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर यूट्यूब पर वीडियो प्ले करने की बात करें तो आप यहाँ पर मैक्सिमम 2K में वीडियो प्ले कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको इसमें वीडियो प्ले करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला। 4K में वीडियो सपोर्ट करता ही नहीं है, तो 2K का सपोर्ट दिया जा रहा है वो भी काफ़ी अच्छी बात है, वरना कई कई मोबाइल में तो आपको फुल HD पे ही सपोर्ट देखने को मिलता है। अब इसका जो थोड़ा सा स्पीकर टेस्ट करके भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इनकी जो वीडियो चला ली है और फुल वॉल्यूम कर दिया यहाँ पर, और दोनों स्पीकर अच्छे से काम करते हैं। तो इसके जो स्पीकर है दोनों साइड में काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, लाउडनेस भी इनकी काफ़ी अच्छी है और क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको मूवीज़ वगैरह देखनी हो या फिर गाने भी सुनने हो तो आपको कोई इशू नहीं रहने वाला है। मतलब कि अगर बात की जाए इसके डिस्प्ले और इसके स्पीकर को लेकर, तो आपको जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अब अगर इसके कैमरा की बात करें तो पीछे वाला जो मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, काफ़ी अच्छी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है रात में भी और दिन में भी। और इसका जो सुपर नाइट मोड है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, तो काफ़ी कम नॉइस ये कैप्चर करता है और काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के साथ ये फोटोज़ कैप्चर कर लेता है। जैसा कि अभी मैं एक बार आपको एक सैंपल बता देता हूँ यहाँ पर फोटो क्लिक करके,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल मोड में मैंने लिया है, 108 मेगापिक्सल वाला मोड अभी यूज़ नहीं किया है, तो काफ़ी अच्छी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। और 108 मेगापिक्सल वाला मोड यूज़ करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है, तो थोड़ा सा ये टाइम लगाता है कैप्चर करने में, लेकिन कैप्चर करने के बाद जो इस मोड में है जो डिटेल और भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ आ जाती है। तो 108 मेगापिक्सल वाली फ़ोटो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरह से आती है, और काफ़ी ज़्यादा आप जूम कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ आपको यहाँ पर क्लियरिटी देखने को मिलती है, और कलर्स भी जो है काफ़ी नेचुरल टाइप के जो कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पीछे वाले कैमरे को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और वीडियो में भी आपको कोई इशू नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आपको 1080p में 60fps पर रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और 2K में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो पीछे वाले कैमरा से। और इसमें आपको ड्यूल वीडियो मोड का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा, और इसमें स्काईस्कोप का भी फीचर मिल जाता है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर ये दो फीचर दिए हैं इन्होंने, ये जो चीज़ देकर काफ़ी बढ़िया काम किया है कैमरा को लेकर। और दोस्तों अगर इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैम भी इसका अच्छे से काम कर लेता है यहाँ पर, और इसमें आपको वीडियो के लिए 2K का सपोर्ट इसमें भी देखने को मिल जाता है, और फुल एचडी में आप 60fps पर भी जो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो जो सेम ऑप्शन आपको पीछे वाले कैमरा मिलते हैं वीडियो के लिए, वही सेम ऑप्शन आपको फ्रंट वाले कैमरा में भी मिल जाते हैं, वो भी वीडियो स्टेबलाइजेशन के ऑप्शन के साथ, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करता है। अगर आपको इसके कैमरा के बारे में और अच्छे से जानना हो तो मैंने इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी दे रखा है अपने इस चैनल पर, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि इसके जो फ्रंट और बैक वाला कैमरा है किस तरह से काम करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी मिल जाएगी फ्रंट कैमरा के लिए, वो इसकी फ्रंट वाली LED फ्लैश, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और हर किसी स्मार्टफोन में ये फ्लैश सामने की तरफ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये जो कंपनी है अपने स्मार्टफोन में दे देती है, तो आपको बिल्कुल ही अंधेरे में भी सेल्फी लेने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो इसके कैमरा को लेकर आपको कोई इश्यू नहीं होगा, इसकी प्राइस के हिसाब से इसके जो दोनों कैमरा काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। और इसकी फ्रंट फ्लैश को लेकर एक और फीचर देखने को मिल जाता है फ्लैश लाइट के रूप में, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो ये फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर तीन अलग अलग मोड देखने को मिल जाएंगे। बैक वाली फ्लैश लाइट तो बैक वाली ऑन हो जाएगी, और अगर आप चाहते हो फ्रंट वाली तो फ्रंट वाली फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि दोनों साइड में एक साथ यूज़ करो तो 360 पर दोनों एक साथ ऑन हो जाती है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करो तो इसमें आपको MediaTek का Dimensity 6080 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे से काम करता है, और इसमें जो गेमिंग है काफ़ी अच्छे से हो जाती है मीडियम सेटिंग पर, उससे ज़्यादा सेटिंग पर आप इसमें गेम प्ले नहीं कर सकते। नॉर्मल या मीडियम सेटिंग पर आप आसानी से इसमें जो है हैवी गेमिंग कर सकते हो, तो नो डाउट आपको इसकी प्राइस के हिसाब से इसमें आपको परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली है। हैवी गेमिंग भी अच्छे से हो जाएगी मीडियम सेटिंग पर, ऐप ओपनिंग करनी हो या फिर मल्टीटास्किंग करनी हो वो भी आसानी से हो जाती है। बाकी जो भी अगर इश्यू देखने को मिल भी जाते हैं तो वो इसकी प्रोसेसर की वजह से नहीं, बल्कि इसके जो कस्टम OS आता है इसमें XOS, उसकी वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसका जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छे से काम करता है और काफ़ी अच्छे से जो ऑप्टिमाइज है। अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि XOS का कस्टम वर्जन के साथ आ जाता है, और इसमें आपको आने वाले टाइम में एक साल तक का एंड्रॉयड अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, और 2 साल के सिक्योरिटी पैच के अपडेट भी देखने को मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको इसमें सॉफ्टवेयर का सपोर्ट दिया नहीं जाने वाला है। इसमें आपको FM का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा वाओ FM के नाम से, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऑडियो जैक में ईयरफोन लगाना पड़ेगा, तभी ये जो FM ऑन होता है, और आपको FM रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने को इसमें मिल जाता है। इसमें आपको काफ़ी सारे कस्टम फीचर दिया है, जिसमें एक जो फीचर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप इस YouTube को पॉपअप विंडो में चला सकते हो बिना प्रीमियम वर्जन यूज़ किए। इसके लिए आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, या फिर YouTube के अलावा कोई और भी एप्लीकेशन हो तो ओपन करके आपको ये वाला बटन जो है प्रेस करके रखना है, तो इस तरह से ये पॉपअप विंडो एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके साथ आप दूसरी एप्लीकेशन भी चला सकते हो। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो इस तरह से कुछ यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर दूसरी एप्लीकेशन भी इस तरह से चलती रहेगी। तो यहाँ पर ये वीडियो प्ले होता रहेगा और पीछे आपकी दूसरी एप्लीकेशन चलती रहेगी। इसके सॉफ्टवेयर में मुझे ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं लगी, लेकिन एक एप्लीकेशन में दिक्कत लगी, वो है पावर डायरेक्टर। अगर इसको मैं कभी ओपन भी करता हूँ तो क्लिक करता ही ओपन नहीं होता, क्लिक होने के कुछ देर बाद ओपन होगा, या फिर बार बार प्रेस करने पर ओपन होता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने बहुत पहले ही इसको क्लिक कर चुका था, लेकिन इसे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगा देता है। तो ये पता नहीं इशू किस वजह से है, और ये इशू सिर्फ इसी एप्लीकेशन के साथ आ रहा है, किसी और एप्लीकेशन के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे कि ये वाला भी वीडियो एडिटिंग ऐप है विलो, इसको भी अगर ओपन करता है तो क्लिक करते ही ओपन हो जाता है, तो इसके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। मगर पता नहीं क्यों इस पावर डायरेक्टर के साथ ऐसा इशू देखने को मिल रहा है। इसकी 5G सपोर्ट को लेकर एक बात कहना चाहूँगा कि इसका जो 5G वाला सपोर्ट है काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आपको 5G पर वॉइस कॉल का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और 14 5G के बैंड भी देखने को मिल जाते हैं। वैसे नॉर्मली इस प्राइस रेंज में 14 5G के बैंड मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में लगभग सारे काम के जो 5G बैंड होते हैं वो सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5G के नेटवर्क दिखाई दे हर एक लोकेशन पर। वैसे अभी के टाइम पर मेरे लोकेशन है या फिर मेरा जो रूम है वहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, कभी कभी आ जाता है, जैसे कि अभी आ चुका है, और थोड़ी देर बाद कभी कभी गायब भी हो जाता है। और इसमें आपको जो 5G प्लस का भी
सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो स्पीड जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और दोबारा से अभी जो है 4G पर आ चुका है और वापस से 5G पर चला गया है, तो ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है। लेकिन अगर अच्छी लोकेशन पर जाऊँ या फिर घर से बाहर निकलूँ तो वहाँ पर 5G का नेटवर्क है जो कॉन्स्टेंट रहता है। दोस्तों इसने एक और चीज़ अच्छी की है कि इस मोबाइल के साथ जो डायलर मिलता है फ़ोन करने के लिए, वो जो है गूगल डायलर नहीं मिलता है, नॉर्मल जो डायलर आता है इसका खुद का वही मिलेगा, जिसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग करने में कोई किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आएगा या फिर कोई भी वॉइस सुनाई देने को नहीं मिलेगी। तो आप कॉल रिकॉर्डिंग के मज़े ले सकते हो। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर एक सैंपल कॉल करके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि गूगल डायलर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और कॉल रिकॉर्डिंग इसमें स्टार्ट हो चुकी है। अगर दोस्तों इसके बैटरी वाले पार्ट की बात करें तो इसके बैटरी के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं बैटरी सेविंग करने के लिए। और इसकी जो बैटरी बैकअप का बात करें तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको, लगभग 7 से 8 घंटे तक का जो स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा अगर आप इसे लगातार यूज़ करते हो तो। अगर लगातार यूज़ नहीं भी करते हो तो आपको 1.5 दिन का अच्छे से जो बैकअप देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर चार्जिंग स्पीड भी ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 70 मिनट में आपका जो 0 से 100% फुल चार्ज हो जाता है। और जो चार्जर मिलता है वो 45 वाट का जो चार्जर इसके साथ मिल जाता है। और दोस्तों इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि 10 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों इसके अंदर एक और चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है इसकी बैटरी को लेकर, वो है इसकी बाईपास चार्जिंग, जिसको यूज़ करने के लिए आपको इसके गेम मोड में जाना पड़ेगा। और वहाँ पर जाने के बाद सबसे नीचे आना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इसमें सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती है, इसे आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। और इसका यूज़ करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप जब भी कभी गेमिंग कर रहे हो और आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग में लगा देते हो तो उस दौरान जो है आपका स्मार्टफोन चार्ज नहीं होगा, आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी वो चार्ज नहीं होगी, उसके बजाय जो पावर है वो सीधा मदरबोर्ड को जो सप्लाई होगा, जिसकी वजह से आपकी जो स्मार्टफोन की बैटरी है उसकी लाइफ बनी रहेगी और ज़्यादा टाइम तक के लिए आपकी बैटरी जो है बैकअप अच्छा दे सकती है। दोस्तों मुझे इसकी एक और चीज़ अच्छी लगी कि सिर्फ 16,000 रुपये की प्राइस में आपको इसमें 8GB की रैम मिल जाएगी और 256GB का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। तो स्टोरेज को लेकर कोई इशू नहीं होगा, कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, आपको अलग से मेमोरी कार्ड लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली अगर आप 16,000 रुपये वाला स्मार्टफोन लेते हो तो। अगर आप इसी में 15,000 वाला वेरियंट लेते हो जिसमें आपको सिर्फ 4GB की रैम ही मिलेगी और 128GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा, तो सिर्फ 1,000 रुपये के डिफरेंस में रैम और रोम दोनों ही डबल हो जाती है। आपको ये स्मार्टफोन लेना है तो आप 8GB रैम वाला स्मार्टफोन लेना, ताकि आपको 1,000 रुपये के डिफरेंस में रैम भी डबल मिल जाए और स्टोरेज भी 256GB मिल जाए। अब अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो इस स्मार्टफोन को आप जरूर से खरीद सकते हो, 15,000 रुपये का या फिर 16,000 रुपये का बजट है तो इस हिसाब से ये आपके लिए काफ़ी सही साबित रहने वाला है और ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी साबित रहने वाला है 15,000 रुपये की प्राइस के अंदर। अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हो तो इसकी जो परचेज लिंक है वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप वहां से इसे सीधा खरीद सकते हो। और एक और चीज कहना चाहूंगा इसको लेकर कि अगर आप चाह रहे हो कि 4GB रैम वाला खरीद लो तो उसके बजाय आप 8GB रैम वाला खरीदना, क्योंकि सिर्फ 1,000 रुपये के डिफरेंस में आपको रैम भी डबल मिलेगी और स्टोरेज भी डबल देखने को मिल जाएगा, तो 1,000 रुपये आपके अच्छे से वसूल हो जाएंगे। इसलिए मैंने भी 8GB रैम वाला ही वेरियंट लिया, 4GB रैम वाला वेरियंट मैंने नहीं लिया, क्योंकि 1,000 रुपये के डिफरेंस में मुझे डबल रैम और डबल स्टोरेज देखने को मिल गया इसके अंदर। तो इस वीडियो को तो ये खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।